पिछले अध्याय में क्या देखा? भगवान आत्म तत्व को बोल रहा है। आत्म तत्व मतलब हमें याद रखो, झट से याद आ जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। आत्म तत्व मुझे आत्म कहा है बोलो, कहा अनुभव पाता है उस आत्म तत्व को, उसका वर्णन किया। उसका वर्णन करने के बाद बोला ये आत्मा है, वो मरने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें कुछ भी व्यवहार नहीं है। येनम वेत्ति हन्तारं यश्चेम मन्यते हतम् उभौतोर विचारितो नायम हन्ति रहन्यते। कोई सोचता है मैं मारने वाला, और कोई सोचता है मैं मर जाता हूँ, है ना। वो मारने वाला भी नहीं, मारने वाला भी नहीं है। आत्मा के बारे में बोल रहा है, वेदा विनाशनम नित्यम ये एरम अजमप्यम कथम स पुनः पार्थ गंभाते अंतिकम, है ना। ये अविनाशी है ये आत्मा, विनाश होने के लिए वहां पर कुछ है ही नहीं, इसलिए वो जो सोचता है वो मारने वाला मर जाने वाला ऐसा सोचता है, दोनों गलत है। ये वो उसको मार नहीं सकता, इसलिए शोक मोह भय का कारण ही नहीं है। न बोलने के बाद वो पूछा, उसको बोलता है स्थित प्रज्ञ, जो आत्मा में ही हमेशा ध्यान को रखता है, नजर को रखता है, उसको बोलता है स्थित प्रज्ञ। इसलिए वो स्थित प्रज्ञ का आचरण कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखो आत्मा कुछ नहीं है, वहां पर व्यवहार ही नहीं है। मैं ऐसा हूं ऐसा जो निश्चय किया है, वो शरीर तो है, फिर कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन क्या कैसा करता है ऐसा पूछा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित किम प्रभाषेता किम आसीत प्रजेत किम, ऐसा पूछते है क्या बोला। प्रजा यदा कामान कूर्मो अंगानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, है ना। वो कुछ व्यवहार ऐसा नहीं रखता, इंद्रियों को खींच कर अंदर रख लेता है, और कुछ ना कुछ होता रहता है ना उस समय, ना अभिनंदते न द्वेष्टि, शुभ होता है अशुभ होता है, अभिनंदन भी नहीं करता है द्वेष भी नहीं करता है ना। ऐसा वर्णन किया आखिर में क्या बोला, येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ दैनाम प्राप्य मुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकाले ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। इसको बोलता है ब्राह्मी स्थिति, मतलब हमेशा मैं आत्मा ही हूँ ऐसा निश्चय करके बैठना है ना, उसको बोलता है ब्राह्मी स्थिति। ऐसी ब्राह्मी स्थिति अंतकाल में प्राप्त होने पर भी हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति मोक्ष मिल जाता है ना। इसलिए वो बचपन से वो पहले से जो कोशिश कर रहा हूँ जो ऐसा रहता है उसके बारे में बोला क्या ऐसा। इसका मतलब क्या है, आत्मज्ञान में जो रहता है उसको मोक्ष मिल जाता है ऐसा स्पष्ट बोला है। हमेशा याद रखो यहां पर, जो आत्मज्ञान में रह जाता है उसको मोक्ष मिल जाता है स्पष्ट बोला है। बीच में क्या बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
माँ कर्म फल हेतु भू माते संभो स्वकर्मणि, बोला। लेकिन तुम्हारे लिए कर्म ही करना है, आपका नहीं बोलना। कर्मणि एव अधिकारः ते, आपको तो कर्म करना ही अधिकार, कर्म करना। लेकिन कैसा करना, फल में मन नहीं रखकर करो। मन नहीं रखकर किया तो आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन कर्म करो आपको मोक्ष मिल जाता है ऐसा नहीं है, नहीं बोला। कर्म करते रहा तो आपको मोक्ष मिल जाता है ऐसा कुछ नहीं बोला। यहां पर ज्ञान में रहो अब मोक्ष मिल जाता है, स्पष्ट बोल दिया, समझ में आ रहा है हालत क्या है? फिर उसने पर सुना, आत्मज्ञान में रह गया आपको मोक्ष मिल जाता है ऐसा स्पष्ट बोला। आत्म में क्या है, कुछ भी कर्म ही नहीं है ऐसा स्पष्ट कर दिया। लेकिन तुम्हारे लिए, बोला बीच में, कर्मण्य वाले कर हत्ते, ते मतलब तुमको, तुम्हारे लिए, तुमको कर्मण्य वाले कर, आप कर्म ही करते रहो। आपको जो कुछ कर्म है, आश्रम के अनुसार हो वर्ण के अनुसार हो, कर्म है उसको करते ही रहना। लेकिन करते रहो कैसा करना, मतलब देखो शुभ शुभ कुछ भी होने दो, लाभ होने दो नष्ट होने दो, जय होने दो अपजय होने दो, पर कर्म करना करो। ऐसा रहा तो आपको बाद में बहुत अच्छा होता है ऐसा बोला। लेकिन मोट मिल जाता है ऐसा बोला क्या, नहीं बोला। अब इसलिए बहुत सहज रूप से वो अर्जुन को थोड़ा दुख होता है। क्या दुख है? देखो जी आत्मज्ञान में रहा तो मोक्ष मिल जाता है, अब तुम कर्म ही करते रहो ऐसा बोला तो थोड़ा इंसल्ट हो गया ना, समझ में आ गया हमको? देखो वहां पर कर्म कुछ नहीं है, आप कर्म करते रहो ऐसा बोलने को समान हो गया। नहीं बोला ऐसा, बोला है तुम्हारे लिए कर्तव्य ये कर्तव्य ऐसा बोला है। इसलिए ओ अर्जुन को एक थोड़ा ऐसा संशय होने लगा, संशय आ गया, बोला क्या जी आप ये भी बोलते हैं वो भी बोलते हैं ये भी बोलते हैं बोलते हैं, हमको भटकाते हैं आप ना। मैं अभी दूसरा अध्याय करते समय मैं क्या किया, वो कर्म के बारे में जो कुछ बोला है सब कुछ खत्म करके बाद में वापस आया ज्ञान के बारे में बोला, आखिर में बोला। लेकिन वहां पर कैसा है, ये भी है वो भी है, ये भी है वो भी है, वहां पर दोष लड़के बोलता है दोष लड़के से बोलता है, दोनों बोल रहा है। इसलिए वो मिलजुल कर ऐसा बात कर रहे हैं आप, ये भी बोलता है वो भी बोलते हैं, इसलिए बोलो अर्जुन उवाचा, अर्जुन उवाचा, जायसी चेत कर्मणस्ते, जायसी चेत कर्मणस्ते, मता बुद्धिर्जनार्दना, मता बुद्धिर्जनार्दना, तत्किं कर्मणि घोरे माम, तत्किं कर्मणि घोरे माम, नियोजयसि केशव, नियोजयसि केशव, व्यामिश्रेण इव वाक्येन, व्यामिश्रेण इसका मतलब देखो मोक्ष मिलता है आत्मज्ञान से ऐसा तो स्पष्ट बोला, इसके बारे में नहीं बोला। इसलिए जायसी चेत कर्मणस्ते बता बुद्धिर जनार्दना, मतलब ज्ञान में रहना कर्म से बहुत बड़ा है,
ऊपर है, ऐसा आपका अभिमत है, ऐसा मुझे लग रहा है, आप ऐसा ही मन में रखा है, ऐसा मन में आ रहा है मुझे। लेकिन मुझे तो घोर है कर्मणि, घोर कर्म में ओ तुम करो ऐसा मुझे बोलो, युजस्वा युद्ध करो ऐसा बोलो, मरने वाला भी नहीं मारने वाला भी नहीं ऐसा समझा आपको मोक्ष मिल जाता है, लेकिन आप मारो आप मरने वाला भी नहीं मारने वाला भी नहीं है ऐसा समझा आपको मोक्ष मिल जाता है, लेकिन आप तो मारो थोड़ा अपोजिट हो गया ना, मतलब मुझे थोड़ा कम बोल रहा है ना, इसलिए वो भी क्या है कर्म करो ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है घोर कर्म है, युद्ध का वो मार डालो सबको क्या है समझे, तब किम कर्मणि हो रे माम नियोजित केशव, मुझे तो ऐसा नियोजित कर रहे हैं यहाँ पर करो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पाप में थोड़ा ऐसा बोलता है व्यामिश्रेणी वाक्य ना व्यामिश्रेणी मतलब ऐसा मिलजुल कर बात करना, ये भी बोलना वो भी बोलना, व्यामिश्रेणी वा मतलब ऐसा बोल रहा है ऐसा बोल दिया तो ओ कृष्ण के ऊपर आपादन किया ऐसा हो जाएगा, ये ठीक नहीं है मुझे ऐसा दिखता है, व्यामिश्रेणी वाक्य ओ मिलजुल कर ऐसा बात कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, बुद्धि मोहसी मेरे बुद्धि को अपने आप भटक रहे हैं ऐसा दिखता है, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं ऐसा दिखता है दिखता है लेकिन आप नहीं करते हैं मुझे तो ऐसा हो रहा है, इसलिए दोनों बोल रहे हैं ना उसको छोड़ो मुझे स्पष्ट रूप से बोलो, तदेकं वदनिश्चित्या येन श्रेयोऽहमात्मना, इसलिए इन दोनों में मेरे लिए श्रेय क्या है मेरे भला के लिए क्या करना उसको बोलो, अभी स्पष्ट हो गया आपको, यहां पर आप याद रखना क्या है सबका लेवल अलग अलग रहता है, हरेक को एक ही मैसेज नहीं दे सकता है, नहीं देना वो गलत है, आपको इसलिए शास्त्र में कैसा है वो आप शास्त्र को देखा आश्चर्य लग जाता है आपको, क्या इतना वैरायटी है जो हो जाता है, चोर को मार्गदर्शन करता है एक चोर है, चोर करना ऐसा करो अच्छा मत ऐसा मत करना ऐसे चोर ऐसा किया परवा नहीं, चोर को कायम नाम से था ना छोड़ो मैं इधर चला जाता हूँ, वो चोर तो है लेकिन वो भी आगे बढ़ना चोर नहीं रहना, इसलिए वही रहकर उसको थोड़ा थोड़ा स्मॉल डोजेस में थोड़े मेडिसिन देना, कैसा देना ऐसा मत कर सब ये ऐसा कर सकता ऐसा है ना, बाद में कोई आलस बैठा है क्या मूर्ख उठाओ लड़ो ये करो वो करो अच्छा कमना अच्छा आशा रखो अच्छा रखो अच्छा कमा दो ऐसा बोलता है, और कोई हमेशा भाग दौड़ में है उसको क्या जीतना भाग थोड़ा शांत हो जाओ बोलता है आपको मालूम हो रहा है ना शास्त्र के गहराई मालूम हो रहा है ना आपको, हर एक को एक ही मैसेज नहीं है, इसलिए यहां पर मुझे जो श्रेय होता है वो बोलो ऐसा बोलते ही अभी देखो मैं स्पष्ट कर लेता हूँ बोलता हूँ, स्पष्ट करते समय भी कैसा करता है इसको याद रखना, हमारा शास्त्रों का पुराणों का पूरा सही व्यास जी कैसा लिखते हैं अभी देखो मैं स्पष्ट बोल देता हूँ बोलना शुरू करता है फिर एक बार आपको भटकाता है
लिखने की शैली है। इस शैली से फायदा क्या है? क्या स्पष्ट बोलता है, सब बोल रहा है, फिर एक बार स्पष्ट ही करना है। इसका मतलब क्या है? सोचो, ठीक तरह से सोचो, सोच कर निश्चय करो, बिना सोच के निश्चय मत करो, समझ लो ठीक, समझ गए ना आपको? बोलता है श्री भगवान वाचा, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नगा, पुरा प्रोक्ता मया नगा, ज्ञानयोगेन सांख्यानां, ज्ञानयोगेन सांख्यानां, कर्मयोगेन योगिनां, कर्मयोगेन योगिनां। देखो लोके अस्मिन् लोके द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया, मैं पहले दो निष्ठाओं को मैंने बोला लोगों के लिए, है ना? मतलब दो निष्ठा क्यों बोला, कैसा बोला? ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिनां। ओ सांख्य मतलब कौन है? आत्मबुद्धि में जाने के लिए ही वो सिद्ध हो गया है, ताकत आ गया है ना? उसको मैंने बोला ज्ञान होगा, आत्मा में रह जाओ, अच्छा उनको बोला। लेकिन योगी लोग है, योगी लोग मतलब क्या है? वो साधना करना चाहता है ना? साधना करने वालों को मैं क्या बोला? कर्मयोग करो, ऐसा बोला। मैंने दो बोला, मैंने सांख्य लोगों को ज्ञान योग में रहने के लिए बोला और योगी लोगों को कर्मयोग करने के लिए बोला। अच्छा पूरा बोला, बहुत पहले ही बोल दिया मैंने, ऐसा बोला। अभी दो प्रकार के लोग हो गए इधर, कौन? योगी लोग, सांख्य लोग। यहां पर देखो सांख्य लोग मतलब थोड़े याद रखो, सांख्य मत ऐसा एक है। सांख्य मत क्या है? वो कपिल नाम से एक ने किया, कपिल में भी एक कपिल तो कौन है? भागवत गाता है श्रीमद नारायण का अवतार देवभूति का पत्र पुत्र, वो नहीं है, कोई कपिल लिखा है इस शास्त्र, है ना? वो वेदांत सा दिख पड़ता है लेकिन वेदांत नहीं है, बहुत अलग है, समझ गए ना? वो सांख्य अलग है, उसको छोड़ो। यहां पर सांख्य मतलब उपनिषदों में जो बोला है वो ही, मतलब आत्मज्ञान। सांख्य मतलब क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में रहने के लिए जिसको योग्यता है, वो साधना करने के लिए योग्यता है, उनको मैंने सांख्य योग बोला। क्या बोला? विधि को यहां पर क्या है, क्या बोला है? सिर्फ प्रज्ञा का भाषा जो बोला वहां पर, इंद्रियों को खींच के लेकर रखो, है ना? शुभ हो अशुभ हो छोड़ दो, है ना? जैसा कैसे रहने दो, हमेशा आत्मा में याद रखो, नजर उधर रखो, ऐसा मैंने बोल दिया। लेकिन आप जैसे लोगों को कर्मयोग करो, ऐसा मैंने बोला। दो निष्ठा स्पष्ट हो गया आपको? अभी देखो क्यों बोला ऐसा, देखो क्योंकि न कर्मणा मनारंभात, न
निष्कर्म्य मतलब क्या है? मोक्ष। स्पष्ट हो गया आपको? निष्कर्म्य मतलब मोक्ष, मतलब क्या है? कर्म से संबंध ही नहीं है वो मोक्ष में। क्या है मोक्ष में? कर्म है ही नहीं। कैसा मालूम होता है? देखो गहरी नींद में आत्मा से जो है वहां पर कर्म का संबंध है क्या? कुछ नहीं ना। इसलिए मोक्ष में कर्म का संबंध ही नहीं, वो निष्कर्म। ऐसा उस स्थान को हम पहुंचना है तो मतलब क्या है? बुद्धि को हमेशा ऐसा आत्मा में रखना। बुद्धि को कहां रखना? इस प्रकार आत्मा जो है आत्मा में रखना पड़ेगा। बुद्धि आत्मा में नहीं रह सकता है आसान से। आपने देखा है आखिर में आम लोगों को कैसा लगता है? कूदते रहना, उधर जाना, उधर उन्ना, उनको बहुत कुछ करते रहना, तभी उनको थोड़ा समाधान होता है। वहां पर क्या है? शांत रह जाओ। क्या ये शांत रहना? इसलिए बुद्धि को तैयार करना पड़ेगा। बुद्धि को तैयार करना कैसा? कर्म से ही करना है। कर्म करते 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 बुद्धि तैयार हो जाता है, उस ओर हो जाता है। देखो कैसा, कर्म करते 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 कर्म संबंध छोड़ने वाला एक स्थिति जो है उसको हम पहुंचते हैं। समझो मेरे पर, कर्म करते 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 हम कैसा स्थान पहुंचते हैं? वो जो कर्म से संबंध छूट जाता है ऐसा पहुंचते। कैसा हो सकता है जी? एक तो दृष्टांत देता हूं। अभी तैरना है ना, वो एक्सपर्ट क्या करेगा? ऐसा पानी में लेट जाता है,